बनाने वाले हैं कैरोट केक। इसकी जो रेसिपी है वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कुछ ऐड करते हैं और कुछ माइनस करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आ जाती है। तो इसी तरह से आज भी हम बनाएंगे और जो कुछ भी मैं ऐड करूँगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये टिन रेडी कर लिया है। इसमें मैंने ऑयल लगाया है और मैदा से कोटिंग किया है। ये भी मेरे आगे की वीडियोस में है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। ओके, पर इसमें एक और ट्रिक है, क्योंकि हम कैरोट केक बना रहे हैं तो कैरोट केक जब बनाते हैं तो ये सारे केक में बहुत से ऐसे सामान होते हैं कि आपके केक ब्रेक हो सकते हैं निकालते वक्त, अनमोल्ड करते वक्त। तो हम इसमें पार्चमेंट पेपर लगाएंगे, हम लोग बटर पेपर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पूरा केक का ऑयल या बटर उसमें वो ले लेता है, तो वो हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे पार्चमेंट पेपर। तो पार्चमेंट पेपर हम इसके साइज का कट करते हैं और इसमें लगाते हैं। तो आप देखिए, कोई भी कंपनी आप यूज़ कर सकते हैं, ये पार्चमेंट पेपर इस तरह से पार्चमेंट पेपर लिखा हुआ आएगा। मेरे पास इस कंपनी का है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम लोग इस पार्चमेंट पेपर को निकालेंगे और इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे। हम इसमें इस तरह से मार्क कर देंगे। अगर आपके पास एडेबल पैन है तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर इससे भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। और जस्ट इसको हटा देंगे, आप देख रहे हैं मार्किंग आ गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये पार्चमेंट पेपर बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने पार्चमेंट पेपर कटिंग कर लिया। इसमें हम इसे सिंपल इस तरह से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कट हो चुका है, तड़ा तड़ा। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ये बॉल। इसमें हम डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने आगे रेसिपी अपलोड की हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ मिल्क मिंट। तो मैं यहाँ मैंने ऐड किया है मिल्क मिंट और मेज़रमेंट सारे वहाँ पे है, मैं लिंक जरूर डाल दूँगी। और जैसा कि मैंने बोला था कुछ कम बेसी कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने जैसे कि मैंने 150 का रेसिपी अपलोड किया है तो मैं यहाँ उससे हाफ ले रही हूँ, मीन्स 75 ग्राम्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसमें उस मेजरमेंट से ज़रा सा बटर बेसी दिया है और ऑयल कम दिया है, क्योंकि बटर से अच्छा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, बिकॉज हम लोग ये बिना क्रीम बिना आइसिंग के कंज्यूम करेंगे। तो आज इस विस्क से हम इसे फेंटने वाले हैं। इसमें बटर, ऑयल और मिल्क मिंट मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे खूब अच्छे से फेंटें। आज ठंड बहुत हो रही है तो हाथों का अच्छे से मसाज करें। बाद जब भी आप मिक्सर से या करें, हैंड मिक्सर से आप कर सकते हैं अपोजिट साइज भी यूज़, पर जब आप विस्क यूज़ करें, विस्क में हमेशा आप वन साइड ही यूज़ करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। आप इसको ऐसे यूज़ किए, फिर इस तरह से बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि जो एयर फॉर्म होंगे वो फिर आपके केक में एयर की वजह से केक फ्लफी होता है। तो अभी से आज हाथ का मसाज करते हुए खूब अच्छे से, आप देख रहे हैं इसका रंग हमें पूरा चेंज कर देना। कर्ड, ये सारी की रेसिपी दी हुई है तो आप बिल्कुल भी वरी ना हो,
अब इसे फिर से विस्क करेंगे, विस्क विस्क विस्क, जितना आप कर सके उतना करें, और वन साइड यू नहीं करना। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, एक भी लम्स ना रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वनीला, ये मेरे पास वनीला बार्बन का है। नेचुरल बार्बन का ये बहुत अच्छा होता है, मैं यही बेसिकली यूज़ करती हूँ सब में। अभी थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, और मैंने जैसा आपको बताया आप फ्लेवर के हिसाब से कम बेसी कर सकते हो स्टार्टिंग में, जो मैंने लिखा है उसमें उस हिसाब से डालिए। आप इसमें थोड़ा कम डालिए उस हिसाब से, क्योंकि वो क्रीम के साथ बनेगा तो हमें फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, ये डायरेक्टली रहेगा तो ये फ्लेवर, इसमें मैं और भी फ्लेवर्स डालूंगी तो ये मैनेज हो जाएगा। आप देख रहे हो टेक्सचर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 75 ग्राम मैदा है, पर इसमें एक दो चम्मच मेरा बेसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं, पर आप स्टार्टिंग में जो मैंने मेजरमेंट दिया उस हिसाब से करिए, फिर आप खुद के माइंड से चेंज करिएगा। अब इसमें फिर हम, और इसे हम बैचेस में यूज़ करेंगे, बट वो भी मैंने एक साथ सारा नहीं डालेंगे कि लम्स ना पड़े, क्योंकि लम्स हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है केक के लिए। इसलिए हम बैचेस में यूज़ करने के पीछे रीज़न यही है कि लम्स ज़्यादा से हमें इसे फेंटना ना पड़े। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। अब क्या है, यहाँ हम लोग मिल्क बहुत कम डालेंगे, बस इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राई केक में बहुत अगर आप मिल्क ऐड कर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में बिल्कुल भी। अब मेरे पास है ये कुछ कटे हुए, ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उसमें क्रैनबेरी वगैरह मिक्स भी है, मैंने सब मिक्स कर लिया है, और साथ में ये थोड़े से क्या बोलेंगे इसको, कैंडीज है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं आज ये नया ऐड करके ट्राई कर रही हूँ कि ये कैसा लगता है ड्राई फ्रूट्स के साथ, अगर अच्छा बना तो आपको बताऊंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे जरा सा मैदा, तो उसमें हम ऐड करेंगे जरा सा इतना, क्यों वो भी मैं बताती हूँ। इसमें हम मैदा इसलिए ऐड करेंगे कि ये जाकर नीचे ना बैठे। तो ये हम लोग यहाँ रेडी हो गया, और ये है मेरे पास कैरोट। कैरोट आप इसमें डाल सकते हैं 75 ग्राम्स में, वन कप ग्रेटेड। आप देख रहे हो इसमें ये एयर बबल आ गए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे बाहर, जरूरत नहीं है। अब ले लेंगे स्पैटुला, इसका काम ख़त्म। इसे अच्छे से क्लीन कर लें। अब इसमें डालेंगे फिर थोड़ा सा दूध, और बहुत हिसाब से ध्यान। और अब आपको कट एंड फोल्ड मेथड से ये करना है, एकदम स्लोली कि आपके एयर फॉर्म में बने रहे। और मैंने OTG का भी मैंने वीडियो डाला है, जो कि भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, जब मैंने डाला है उस हिसाब से सेट कर लें 180 डिग्री, 10 to 15 मिनट आप उसको गर्म कर लें, और मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और मैंने सारे सेटिंग्स भी दिखाए हैं, उस तरह से सेट कर दें। और वो अभी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, देखिए मैं कितने जेंटल हाथों से इसे यूज़ कर रही हूँ। अब साथ में इसमें डाल देंगे सारे नट्स,
ये एक्स्ट्रा मैदा नीचे बच गया, इसको हटा दें। इसके साथ डाल देंगे कैरोट, ये 1 कप से बेसी है, मैं इतने नहीं डालूंगी, आप 1 कप नाप के ग्रेटेड डालिए। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एकदम भी इसे हलवा की तरह मिक्स नहीं करना है, जेंटल, बिल्कुल बहुत प्यार से। जब केक बना रहे हो ना तो ऐसे बनाइए जैसे कि आप किसी से प्रेम कर रहे हो, जस्ट लाइक उसके अंदर आपका बिल्कुल प्रेम होना चाहिए, तो वो केक बहुत यम्मी यम्मी बन के आता है। अब चलिए काम की बात करते हैं, हम यहाँ ऐड करेंगे, ये है दालचीनी का पाउडर, जिसे सिनेमन पाउडर भी कहते हैं, ये 1/4 टीस्पून आप डाल दीजिए इसमें, इससे वैसे मत डालिए, 75 में 1/4 डाल सकते हो, उससे कम भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, इलायची भी 1/4। अब इसमें आप भी कम बेसी आप कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ 1/4 जितना, और ये 1 पिंच, ये है नटमक का पाउडर 1 पिंच, ये सब की अब हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा भी हमें मिक्स करेंगे, टाइट लग रहा है ना, ज्यादा हमें टाइट ही रखना है, हल्का सा इसमें और दूध डाल देंगे, क्योंकि गाजर का पानी ऑलरेडी, इसलिए मैंने दूध कम डाला, आप समझ गए, कैरेट में ऑलरेडी पानी है, वो अभी पानी छोड़ेंगे जब ये पकेंगे, इसीलिए हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, और कुछ टाइम में खुद लिक्विड ही हो जाएगा ये। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और वनीला एसेंस, जब आप अच्छे सामान यूज करेंगे तो केक सच में बहुत अच्छा बन के निकलता है, उसके लिए आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 75 में 1 कप ग्रेटेड कैरोट इनफ है, और 1/4 आप डाल दीजिए नट्स, आप थोड़े बेसी भी डाल सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, कि आप फिर खाली नट्स खाना है ना कि केक खाना है। अब हम ले लेंगे ये पार्चमेंट पेपर लगा हुआ यहाँ, अब मैंने सब डाल दिया इसमें, अब इसे स्मेल करो, आ जस्ट ऑसम। और अब इस केक को केक के बैटर को हम डाल देते हैं इसमें, अब हम इसे इस तरह से फैला देते हैं कोने कोने तक, पर एकदम नीचे नहीं, बिल्कुल भी आप स्पैटुला लगाएं, एकदम हल्के हाथों से कि वो यूनिफॉर्मली बैठ जाए। तो देखा ना आपने, सेम रेसिपी को मैंने किस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब इस ये अच्छे से बन के कैसे निकलता है देखते हैं, कि मैं भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट रोज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि आज मैंने इसमें नटमेग ऐड किया है, साथ में मैंने थोड़ा सा दाल वो साथ में मैंने इलायची ऐड किया है, तो कुछ कुछ मैं भी अब इसमें मैंने किए हैं। अब थोड़ा सा टैप कर देंगे, इसमें ज़्यादा एयर नहीं आया होगा, बिकॉज यह जब एयर बहुत कम फॉर्म हो जाते हैं अंदर में, जब हम बहुत लिक्विड होता है, अभी हमने लिक्विड किया नहीं, तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल देखिए तब प्यारा लग रहा है ना, तैयार है, और ओवन रेडी है, हो रहा है हमारा ओवन रेडी। तो चलिए, हमने कैरेट केक बना दिया है और उसे हमने रख दिया है OTG में गर्म होने के लिए। मैं OTG का सेटिंग का और किस तरह और रेसिपी का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो कि आप आराम से देख सकोगे। जी के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस पर काम करते हो तो। और आपने देखा कि मैंने किस तरह से प्लस माइनस किए चीज़ें, कुछ कुछ ऐड ऑन की, कुछ निकाल दी, कुछ कम डाल दिया, बस इतना सा करना होता है।
और अगर आपका फर्स्ट टाइम रेसिपी परफेक्ट नहीं भी आता है तो भी घबराने की बात नहीं है, इट्स मेक्स परफेक्ट। तो आप इसे आराम से बार बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए। तो वो OTG में है, अब देखिए वो किस तरह से निकलता है। तब तक के लिए इंतजार करते हैं।